में एक सपना सजाया था, दिल में उसे पूरा करने का शज्जर उगाया था। जिंदगी न्यौछावर कर दी थी उसने अपने देश के नाम, उस छोटी सी छबीली ने एक नया इतिहास रचाया था। जुर्रत दिखाई अपने हक के लिए आवाज उठाने की, पर्दाफाश कर दिया अंग्रेजों के काले कारनामे की। चूड़ियों की बजाय तलवार से करती थी वो श्रृंगार, फलक तक का सफर तय करती थी वो दिग्गज घुड़सवार। सबकी कल्पना से बाहर उसने अपना निडर रूप दर्शाया था, उस छोटी सी छबीली ने एक नया इतिहास रचाया था। हर ओर गूंजते थे उसके चर्चे, अंग्रेजों के उसके नाम से ही छूट जाते थे पसीने। भारत में सन 57 में स्वतंत्रता की लौ उसने जलाई थी, अंग्रेजों का अध्याय खत्म करने की बारी भारतवासियों की आई थी। फिरंगियों के खिलाफ विद्रोह का पहला दीपक उसने जलाया था, उस छोटी सी छबीली ने एक नया इतिहास रचाया था। हर किस्से में दी जाती है उसकी बहादुरी की मिसाल, उसके व्यक्तित्व ने बना दिया है उसे सबसे बेमिसाल। कुल 23 की उम्र में उसका देहांत हुआ था, मगर उसके कर्मों ने उसे लोगों के दिल में अमर बनाया था, उस छोटी सी छबीली ने एक नया इतिहास रचाया था। प्रसिद्ध है वो झांसी की रानी के नाम से, वीरता की परिभाषा जानी जाती है उनकी पहचान से। मेरा शत शत सत्कार है ऐसी सहनी को, उनकी दिखाई राह पर चलना है मेरे कदमों को। इतनी कम उम्र में उन्होंने सुनहरे अक्षरों में अपना नाम इतिहास के पन्नों में लिखवाया था, उस छोटी सी छबीली ने एक नया इतिहास रचाया था। ये परफॉर्मेंस एंड करने के लिए मैं बस चार लाइंस बोलना चाहूंगी, हम सब के लिए, हम सब शायरों के लिए जो हम सब फील करते हम शायर होते ही कुछ ऐसे हैं, हम शायर होते ही कुछ ऐसे हैं जो अपने दर्द को खूबसूरत शब्दों में सजाकर दुनिया के सामने पेश कर देते हैं, अपना दिल भी हल्का कर लेते हैं और तालियां भी बटोर लेते हैं। शुक्रिया।